The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar dosto. We'll be talking about herbal supplement. By nutrition, healthy eating, bahut zaruri hai. बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन क्या आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है? हेल्दी ईटिंग्स के अलावा कई सारे दुनिया भर के हर्बल सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, क्या वो आप बिंदास खा सकते हो किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट के बगैर? क्या नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक बोल देने से हर चीज़ सेफ हो जाती है कि नहीं? क्या नेचुरली ग्रो करने वाला कोई पॉइजन नहीं होता? क्या नेचुरली ग्रो करने वाली हर चीज़ पॉइजन है? सॉरी तो बहुत सारे तर्क आते हैं लोगों के, और बहुत सारे तर्कों के बहुत सारे सवाल उठते हैं, और इस चीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है आज कि हर्बल सप्लीमेंट्स सेफ है या नहीं, और नहीं तो क्या हेल्पफुल है, हार्मफुल है और क्यों है. सी, आपको कुछ चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कई सारे हर्बल सप्लीमेंट्स एक्चुअली आते हैं, और देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज रेगुलेशंस जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है, वो है हर्बल सप्लीमेंट्स में, लेकिन ये FDA फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं है. सो FDA रेगुलेशंस नहीं है ये, बट दे डोंट एक्चुअली गारंटी दीज. जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो उसकी सेफ्टी या इफेक्टिवनेस गारंटी नहीं करती. तो आपको आपके होमवर्क करना पड़ेगा ऐसे किसी भी प्रकार के सब्सटेंस को बाय करने से पहले. जैसे बिल्कुल सिंपल है, अगर मार्केट में नई ताजी कोई अजीबोगरीब तरीके की सब्जियां, अजीबोगरीब दिखने वाले फॉरेन सब्सटेंसेस दिखने लग गए, तो सिर्फ ऐसे ही उठा के सब कुछ खाने तो नहीं लग जाओगे? यू विल थिंक अबाउट इट कि ये क्या है, क्या ये सेफ है? लोग खा रहे हैं तो सब खाओ, ऐसा भी नहीं होता. कई लोग खा लेते हैं, बट दैट्स नॉट राइट. सॉरी, थोड़ा गला दिक्कत कर रहा है आज. एनीवेज, सो जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे हर्बल मेडिसिन अवेलेबल है, जैसे कि समथिंग कॉल्ड एज फ्लैक्सीड. फ्लैक्सीड लोग कोलेस्ट्रॉल लो करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लेते हैं, राइट. इकानीसिया लोग कोल्ड प्रिवेंट करने के लिए लेते हैं. जिंकीगो लोग जिंको जो भी बोलते हैं, जिंको लोग मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए लेते हैं. सो देर इज़ सो मैनी हर्बल मेडिसिंस, हर्बल सप्लीमेंट्स, द लिस्ट इज़ सो लॉन्ग, ख़त्म ही नहीं होती है. लेकिन इनको हर्बल को कई बार बोटैनिकल्स भी बोला जाता है, प्लांट बेस्ड है, प्लांट से ली जाती है. डाइट्री सप्लीमेंट्स एक तरीके से बोला जाते हैं, और ये कोई नई चीज़ नहीं है. दुनिया भर में प्लांट्स को मेडिसिनल पर्पस से सदियों करोड़ों साल से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो एक्चुअल मेडिकेशंस होती हैं उनकी जो स्क्रूटिनी होती है, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स पे रिसर्च होता है, वो इन पे नहीं होता. यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है. क्या मतलब कि अगर एक हर्बल सप्लीमेंट का मेकर है, उसको मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड तो चाहिए कि ऐसी पूड़ी में बांध के नहीं दे सकता. देर इज़ टू बी सम स्टैंडर्ड्स, राइट, टू एंश्योर कि सप्लीमेंट जो है प्रॉपर कंसिस्टेंसी, प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का हो. लेकिन उनको FDA फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपनी दवा, अपना सप्लीमेंट भेजना नहीं पड़ता अप्रूव कराने के लिए. भेजना ही नहीं पड़ता तो उनकी टेस्टिंग ही नहीं होती. उनकी टेस्टिंग नहीं होती, हमें नहीं पता उसमें क्या है, राइट. सो ऑल हर्ब्स इंक्लूडिंग हर्बल सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स आर लेबल्ड एज नेचुरल. नेचुरल लिख देने वाली चीज़ें, दे कैन हैव मेडिकेशन लाइक इफेक्ट, दवाई के जैसा इफेक्ट हो सकता है. बिल्कुल वैसे जैसे कई दवाओं में, कई पौधों में एंटीबायोटिक इफेक्ट है, कई पौधों में सर्दी कम करने का, ब्लड प्योरीफाई करने का, बथेरा चीज़ों का इफेक्ट है, तो ऑब्वियसली उसमें मेडिकेशन लाइक इफेक्ट है. क्योंकि बहरहाल देखा जाए तो मेडिकेशन भी कुछ ना कुछ नेचुरल चीज़ों की कोई ना कोई क्वालिटी को आइसोलेट करके ही बनाई गई है, कि उस आइसोलेटेड चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करके गोली में डाल दी गई है तो वो कहीं ना कहीं नेचुरल ऑकरिंग चीज़ से ही निकाली गई या उसके सिमिलर कंपाउंड बनाया गया. सो ऑल हर्ब्स कैन हैव मेडिसिन लाइक इफेक्ट
एंड एनीथिंग स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोड्यूस अ पॉजिटिव इफेक्ट, जैसे कि मूड अच्छा करना, कोलेस्ट्रॉल कम करना, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना, इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज टू कैरी अ रिस्क। ये बात याद रखिए, कोई भी चीज जो इफेक्टिव है वो रिस्की भी है। वेरी सिंपल, ठीक है? बिल्कुल ऐसे जैसे एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाने में आपका जितना, अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, कार में जा रहे हो तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, एरोप्लेन में जा रहे हो थोड़ा और रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क तो है एक तरीके से, इट्स अ ह्यूज थिंग ना। तो उतना पैसा ज्यादा देते हो उतना प्रिपरेशन ज्यादा करते हो, है कि नहीं? सो दैट्स व्हाई ऑल हर्बल सप्लीमेंट्स कैरी सम रिस्क। इट्स इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ हर्बल सप्लीमेंट्स बिफोर यू बाय देम। जरूरी है उसके बारे में पढ़ना, समझना और अपने डॉक्टर से, अपने खासकर अगर आपको कोई बीमारी है, प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग है, बुढ़ापे में, ओल्ड एज है, यू शुड गेट इट चेक्ड। हम नहीं कह रहे सारे हर्बल मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स हैं, नहीं ऐसा नहीं है, सारे हर्बल सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स हैं नहीं, बट कुछ के हैं और कुछ के ज्यादा हैं। उस वो हर उसके कुछ लोगों में होंगे। दवाइयों के, मेडिकल एलोपैथिक दवाइयों के भी साइड इफेक्ट सबको नहीं होते, कुछ लोगों में होते हैं। कभी कभी वो ज्यादा परसेंटेज होता है कि 70-80% को साइड इफेक्ट होगा, कभी 5-10% को साइड इफेक्ट होगा पीपल को। सेम वे हर्बल सप्लीमेंट जो इफेक्टिवनेस दिखा सकती है उसके पोटेंशियल रिस्क भी होते हैं। सो क्या वो सेफ है? अगेन वी डोंट नो, बिकॉज उनकी कोई डाइटरी सप्लीमेंट के अंदर कैटेगरी में जो आते हैं उनको अपने FDA रेगुलेशंस के थ्रू नहीं जाना पड़ता, तो उनकी ना तो इस तरह से चेकिंग होती है, ना तो उनके जिसको हम कहते हैं ट्रायल्स होते हैं, ना तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है कि भाई पोस्ट मार्केटिंग यानी मार्केट में जाने के बाद किसी से साइड इफेक्ट हुआ तो उसका आपको पता चलेगा, नहीं, वो जिसको पता है उसको पता है, जो पूरी दुनिया को नहीं पता चलेगा, सर्विलेंस नहीं है। सो कंपनीज कैन क्लेम दैट इट्स बेनिफिशियल फॉर व्हाटएवर रीजन, हेल्थ बेटर करता है, सपोर्ट बेटर करता है, बॉडी फंक्शन बेटर करता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बेटर करता है, और डिस्क्लेमर डाल सकते हैं वो, FDA हैजंट इवैल्यूएटेड दिस क्लेम अपने प्रोडक्ट के नीचे, और काम खत्म उनका। यू दे आर सेफ बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड क्या सॉम्प्टम है, क्या चीज़ है, आप तो अपना खाओगे। सो कंपनीज को ये अलाउड नहीं है कि वो स्पेसिफिक मेडिकल क्लेम करे, जैसे कि अगर कोई क्लेम करते हैं कि दिस हर्ब रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ड्यू टू एनलार्ज प्रोस्टेट, ये गलत है कि आपकी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी, ये गलत क्लेम है, दे आर नॉट अलाउड टू डू दिस। मगर आप ये इंडिया में क्या बाहर भी देखोगे क्लेम होते हुए, राइट? सो दिस इज रॉन्ग, राइट? सो मैन्युफैक्चरर्स को अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होती है, राइट? FDA मेन मॉनिटरिंग अथॉरिटी है जो डाइटरी सप्लीमेंट्स को मार्केट में मॉनिटर कर रही है, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट को अनसेफ माना जाता है तो उसका मैन्युफैक्चर, उसका डिस्ट्रीब्यूटर, उसको पहले एक वार्निंग दिया जाता है और उसके बाद में उस प्रोडक्ट को मार्केट से निकाल दिया जाता है। ऐसा ज़रूर होता है, लेकिन प्री टेस्टिंग नहीं होती, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस नहीं होती, कितने में हुआ कितने नहीं, किसी ने रिपोर्ट किया, केस सामने आया तब होगा। एनीवेज फॉरगेट अबाउट इट। सो रेगुलेशंस आपके हर्बल सप्लीमेंट्स पे भी आते हैं और बाकी डाइटरी प्रोडक्ट्स पे भी। सो देयरफॉर यू कैन अंडरस्टैंड कि अनएक्सपेक्टेड रिस्क कैन हैपन टू सम पीपल, सबको नहीं होगा पर कुछ को होगा। सो इफ यू वॉन्ट टू नो वॉट इज इन योर हर्बल मेडिकेशन, आप उसका लेबल पढ़े, नेम ऑफ द हर्बल मेडिसिन, उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट को आप देखें, और उसको जाके इंग्रेडिएंट के बारे में आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पढ़ें, आप हर्बल मेडिसिन के बारे में पढ़ें, डेटाबेस उसमें दिया हुआ है जहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वेबसाइट है, NLM, NLH, वो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें एक्चुअली दिया हुआ है सारा डाटा, ठीक है? सो आपको कैसे पता चलेगा कोई हर्बल सप्लीमेंट जो है वो जो बोल रहा है वो सच है कि नहीं, राइट? सो यू नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू, डोंट जस्ट रिलाई ऑन दैट, आप प्रोडक्ट बेस्ड रिसर्च करो, इवेल्युएट दी यू नो रिसर्च रिस्पॉन्स, आप अपने डॉक्टर से, अपने फार्मासिस्ट से पूछो, साइंटिफिक रिसर्च फाइंडिंग देखो, मैन्युफैक्चर को कॉन्टैक्ट करना है अपने सवालों के जवाब लेने के लिए तो वो करो, राइट? जो जिन्होंने खा रखा है उनका रिव्यू पढ़ो, दैट इज इम्पॉर्टेंट, फिर उसके बाद में ट्राई करो, फिर उसके बाद किसको नहीं लेना है, राइट? अगर आप कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशन प्रेगनेंसी या वो, मगर आप कोई दवाई ले रहे हो किसी मेजर बीमारी के लिए, प्रेग्नेंट हो,
ब्रेस्ट फीडिंग करते हो, कोई ऑपरेशन हुआ है, 18 साल से छोटे हो, 65 साल से ज़्यादा हो, तो एक्सपेरिमेंट मत करो अपनी बॉडी पे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। सो सेफ रखना ज़रूरी है। सेफ्टी टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ। डोंट, सबसे पहला टिप ये है, अगर किसी हर्बल सप्लीमेंट को आप ले रहे हो और उसमें कुछ लिखा हुआ है रिकमेंड डोसेजेस, तो उससे ज़्यादा मत लो। उसमें लिखा है वो नेचुरल है, इसका मतलब ये नहीं है जितना मर्जी खाओ तो सेफ है। नमक भी ज़्यादा खाओगे तो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, शुगर भी शक्कर भी ज़्यादा खाओगे तो भी हार्मफुल है, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट यू टेक, क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कब से खा रहे हो, उसका एक हिसाब रखो, ताकि डॉक्टर के पास जाके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता पाओ कि भी ये खा रहे हैं। और ब्रांड हिसाब से चुनो, कई सारे लोकल नकली ब्रांड आ जाते हैं दुनिया में, सो अगर कुछ ले भी रहे हो तो उसको ब्रांड अच्छे से करो। और अगर कोई किसी भी प्रकार के अलर्ट्स हैं उसके ऊपर या रिसर्च में आते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना, राइट। क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स के अलर्ट्स अगर अच्छी वेबसाइट्स, FDA की वेबसाइट्स या फिर WHO के वेबसाइट्स पे आ रहे हैं, डू नॉट इग्नोर इट, ऐसी किसी पर्सन ने डाला है देन यू नीड टू रिसर्च ऑन इट, ऑलराइट। सो दिस इज द आइडिया, हर्बल सप्लीमेंट्स आर वेरी हेल्पफुल बिकॉज उसमें मेडिसिनल इफेक्ट्स हैं, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, बट दे आर नॉट नेचुरली एब्सोल्युटली ऑलवेज सेफ, दे आर पोटेंशियली हैविंग साइड इफेक्ट्स, एंड नो डाउट उनमें बहुत अच्छा इफेक्ट्स हैं। नेचुरल आयुर्वेदिक सारी दवाइयों में, दवाइयों जैसा सप्लीमेंट्स में, सप्लीमेंट्स जैसा इफेक्ट है, और जो चीज़ कारगर है वो खराब भी कर, जो चीज़ टेस्ट ला सकती है, जो चीज़ टेस्ट ला सकती है वो टेस्ट खराब भी कर सकती है, सिंपल सी चीज़ है। वैसे ही जो चीज़ शरीर सही कर सकती है वो बुरा भी कर सकती है, आपको समझना पड़ेगा कि वो कैसे काम करती है और कितना चाहिए, राइट। आई होप दिस डज नॉट अफेंड एनीबॉडी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क, आई एम हियर।